सैंपल सर में हम लोग पीपीएस मतलब प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज पढ़ रहे थे, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है? डेशल एस्टिमेटर अनवायस फॉर पॉपुलेशन मीन ऑर्डर्ड है सैंपल साइज 2 एंड इज वेरियंस। पीपीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेशल एस्टिमेटर। आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिए, हम जो भी स्टेप करेंगे आप हमारे साथ करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए बेसिक जो है वो लिख दिया। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज पीपीएस उधर ट्रिपलेस मिलकर काम करें, ठीक है? ये यू जो है वो हमारा पॉपुलेशन है, वाई जो है वो कैरेक्टर अंडर स्टडी है जिस कैरेक्टर को हम स्टडी करें, ठीक है? और एक्स क्या है वो ऑक्सिलरी वेरिएबल है। देखिए मान लीजिए हमें जो है पॉपुलेशन को स्टडी करना है। यहाँ पे हमारे पास दो सेंसर है, एक करेंट सेंसस है और एक लास्ट ईयर का सेंसस है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन तो सब पॉपुलेशन हो गया, यहाँ पे जो करेंट सेंसस है वो हो गया वाई जिसको कैरेक्टर अंडर स्टडी जिसको हम स्टडी करना है, और ऑक्सिलरी वेरिएबल क्या है जिसके विषय में हम स्टडी करेंगे वो है हमारा पीवीएस ईयर का सेंसस, ठीक है? ये हो गया बेसिक। अभी देखिए सैंपल एस, एस सैंपल क्या है, सैंपल साइज यहाँ पे 2 है तो हमने दो यूनिट को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखना है वो है कि ये जो है ये ऑर्डर्ड है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो आई है वो पहले आएगा, इसके बाद जे आ रहा है, ठीक है? तो देखिए हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो लिख दिया है। तो पहले देखिए एट फर्स्ट ड्रॉइंग वी सिलेक्ट द आईथ यूनिट विथ प्रोबेबिलिटी एक्स आई बाई एक्स, मतलब क्या है पी आई, मतलब यहां पे देखिए सैंपल में आई यूनिट जो वो एक ही होगा तो एक्स आई पर टोटल पॉपुलेशन आई, तो हो गया पी आई, मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग आई यूनिट, ठीक है? अभी देखिए एट सेकेंड ड्रॉ वी सिलेक्ट द जे यूनिट विथ प्रोबेबिलिटी। अभी आप एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है और ऑर्डर है, मतलब आई यूनिट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है? तो एक्स जे, ठीक है, बाय एक्स माइनस एक्स आई, एक्स जो आई जो मतलब एक्स से एक्स आई ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है? तो हो गया एक्स जे बाय एक्स माइनस एक्स आई। अभी न्यूमेटर और डिनोमेटर को आप एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स जे बाय एक्स बाय क्या होगा बाय, देखिए अभी एक्स को अगर एक्स से डिवाइड करेंगे तो वन आ गया माइनस एक्स आई बाय एक्स, ठीक है? तो देखिए ये जो है वो पी आई है अभी हमने लिखा था, और ये हो गया पीजे। अभी देखिए तो हिसाब से सैंपल का जो ये सैंपल है इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है पी आई ये इनटू पीजे बाय वन माइनस पी आई, ठीक है? ये हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, डेशल एस्टिमेटर को हम डिफाइन करेंगे। अभी देखिए पहले देखिए टी वन, ठीक है, टी वन क्या है, टी वन है y i by a n p i, ठीक है? y i क्या है, y i है i यूनिट का जो स्टडी वेरिएबल है, ठीक है, by n p i, p i क्यों, p i है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग i यूनिट एट फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है? और यहां पे देखिए t2 क्या होगा, 1 by n y i plus 1 minus p i by p j वाई जे, ठीक है, ठीक है? यहां पे देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, कुछ किताबों में यहां पे एन जो है वो वन बाई एन जो है वो नहीं है, ठीक है? वो हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां पे हम अनबायस पर पॉपुलेशन मीन ले रहे हैं। अगर यहां पे आपके क्वेश्चन में पॉपुलेशन टोटल है तो आप यहां पे बाई एन मत लीजिएगा, यहां पे आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन के लिए, मतलब क्वेश्चन में हमारा था पॉपुलेशन मीन, इसीलिए हम यहां पे जो है वो बाई एन ले रहे हैं, ठीक है? आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर पॉपुलेशन टोटल में आप एन लेंगे तो वो नहीं होगा। अभी देखिए तो डेशल एस्टिमेटर को हम कैसे डिफाइन करें, टी बार से डिफाइन करें। टी बार क्या है, हाफ ब्रैकेट टी वन प्लस टी टू, ये हो गया डेशल एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन, ठीक है? तो देखिए अभी जो है हमें यहां पर दिखाना है कि वो अनबायस्ड है, अनबायस्ड फॉर द पॉपुलेशन मीन, ठीक है? तो पहले हम यहां पर अभी देखिए इसको अगर हम एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बार क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बार हो जाएगा हाफ, यहां पे हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू, ठीक है? यही तो होगा ना। अभी यहां पे देखिए यहां पे हमारे पास दो चीज हमें यहां पे चाहिए, ठीक है? पहले क्या चाहिए, टी वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी वन। तो देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ टी वन क्या आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी वन यहां पे जो यहां पे हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वन बाय एन
वाई आई पी आई, ठीक है। तो 1 बाई एन जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका तो एक्सपेक्टेशन का काम नहीं है, तो वो हमारा बाहर आ गया, ठीक है। अभी देखिए एक्सपेक्टेशन है तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन है तो एक समेशन आएगा और एक प्रोबेबिलिटी आएगा। तो देखिए समेशन, ठीक है, समेशन आई 1 टू एन वाई आई बाय पी आई, और यहां पे एक प्रोबेबिलिटी आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा पी आई, ठीक है। तो देखिए यहां पे पी आई और पी आई जो है वो कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे हमारे लिए बचेगा 1 बाई एन, ठीक है, 1 बाई एन समेशन समेशन आई 1 टू एन वाई आई। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है x, ये y बार का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है। देखिए आपने कहा था ना कि n हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पे मीन के लिए एक्सपेक्टेशन में आएगा। अगर आप पॉपुलेशन टोटल का करेंगे तो यहां पे 1 बाई एन नहीं आएगा, तो यहां पे हमें y मिल जाएगा, पॉपुलेशन टोटल मिल जाएगा। अभी देखिए फर्स्ट का तो हो गया, अभी हमें सेकेंड निकालना है। सेकेंड क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू, ठीक है। अभी देखिए यहां पे टी टू का एक्सपेक्टेशन में यहां पे दो चीज है, वाई आई है और वाई जे है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा एक्सपेक्टेशन यू एक्सपेक्टेशन वन एक्सपेक्टेशन टू, ठीक है, वाई वन वाई एन। अब ये पूरा आ जाएगा वाई आई प्लस वन माइनस पी आई बाई पी जे वाई जे, ठीक है। अभी देखिए यहां पे हमें ये दोनों एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। पहला एक्सपेक्टेशन क्या है, पहला एक्सपेक्टेशन है ई टू, ठीक है। देखिए ये जो है ये एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ओवर वाई जे, वाई जे को भी एक्सपेक्टेशन है, कीपिंग वाई आई फिक्स्ड। यहां पे जो फर्स्ट में जो है वाई आई जो है वो हमारा फिक्स्ड होगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ ई वन, जो ई वन है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई है, ठीक है। अभी देखिए हमारा बोध बहुत ही छोटा है, इसलिए हम कह रहे थे कि हमारे साथ साथ लिखिए। यहां तक हो गया, अभी हम इस तरह का जो पार्ट है वो मिटा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे एक्सपेक्टेशन, यहां पे जो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू निकाल रहे थे, ठीक है, तो यहां पे 1 बाई एन जो है उस पर तो किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा, तो वो एकदम बाहर आ गया 1 बाई एन। अभी हम टी वन एक्सपेक्टेशन वन जो है उसको हम वैसे ही रख देते हैं, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। अभी पहले हम एक्सपेक्टेशन टू ई टू को देखने वाले, एक्सपेक्टेशन ओवर वाई जे कीपिंग वाई आई फिक्स्ड। तो वाई आई जो है वो फिक्स्ड है, तो यहां पे आपको पता है क्या आता है, एक समेशन आता है और एक प्रोबेबिलिटी आता है। समेशन आएगा समेशन जे नॉट इक्वल टू आई, क्योंकि आई जो है वो फिक्स्ड है। अभी देखिए यहां पे वाई आई प्लस वन माइनस पी आई बाई पी जे वाई जे, ठीक है। इनपे प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, अभी आपको याद कीजिए हमने आपके लिए प्रोबेबिलिटी लिखाया था, प्रोबेबिलिटी एट सेकेंड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग जे यूनिट, जे यूनिट का प्रोबेबिलिटी क्या था, पी जे बाई वन माइनस पी आई, ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी था। तो देखिए यहां पे 1 बाई एन जो है वो वैसे ही रहेगा, एक्सपेक्टेशन ई वन वैसे ही रहेगा। यहां पे देखिए यहां पे तो वाई आई जो है वो बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे समेशन जो है वो जे के ऊपर है और नॉट इक्वल टू आई, तो जे आई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अभी देखिए यहां पे समेशन है, समेशन जे नॉट इक्वल टू आई, ये यहां पे क्या हो जाएगा, अभी हम इसको जो है वो इंटू कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे देखिए प्लस, ठीक है, अभी देखिए अगर आप इंटू करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम है और ये और सेम है, कट जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, समेशन जे नॉट इक्वल टू आई वाई जे, ठीक है। अभी देखिए ये आई के ऊपर जो है वो नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी समेशन नहीं आएगा तो बाहर आ जाएगा, और समेशन जे के ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस पी आई हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी है, तो इसको अगर हम सम करेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें वन मिल गया, तो यहां पे देखिए वन बाई एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ई वन, यहां पे हो गया वाई आई, क्योंकि ये समेशन पूरा वन हो गया, ठीक है। अभी यहां पे देखिए समेशन क्या है, समेशन जे के ऊपर है, नॉट इक्वल टू आई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई, जो मतलब कंप्लीट सैंपल था ऑफ द कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है,
उससे आप वाई आई को माइनस कर देंगे तभी हमें तो इसका मिल जाएगा, समेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो पार्ट है ये पार्ट कट जाएंगे और यहां पे जो है अभी यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया हमारा वन वाई आई, ठीक है, और यहां पे हो गया पॉपुलेशन टोटल मिल गया, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन, अभी इसके ऊपर एक्सप्रेशन क्या लगाएंगे हम, क्योंकि वहां पर तो एक्सप्रेशन नहीं आएगा ना, तो यहां पे वाई मिल गया हमें। तो अभी अभी देखिए ये जो है इसको करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई बार मिल जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन मीन। अभी देखिए हमारे पास दो मेल मिला, एक यहां पे हमें मेल मिला, इसको आप टू कर दीजिए, ठीक है, और इसको आप थ्री कर दीजिए। तो यहां से हम देखिए फॉर्म टू टू एंड थ्री इन वन, अभी हम वन में जो मतलब यहां पे इसका वैल्यू बैठाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बार इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ वाई बार प्लस वाई बार, क्योंकि यहां पर भी हमें वाई बार मिला और यहां पर भी वाई बार मिला, तो यहां पे देखिए टू आ रहा है टू वाई बार, तो यहां से हम लिख सकते हैं वाई बार, तो यहां से हम कह सकते हैं कि टी बार है, ठीक है, टी बार मतलब दिस इज एस्टिमेटेड इज अनवायस एस्टिमेटेड फॉर वाई बार, वाई बार मतलब क्या है, पॉपुलेशन मीन, ठीक है, पॉपुलेशन मीन। मतलब देखिए हमारा जो आधा काम है यहां तक हमने कंप्लीट आपके लिए कर दिया है, पॉपुलेशन मीन बहुत ही आसान था ये वाला। यहां पे हमने क्या देखा, हमने पहले आपको बेसिक दिखाया कि असल में पीपीएस जो है प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज वो क्या है, वहां पे पॉपुलेशन है जिसको हम यू से डिनोट करें, कैरेक्टर अंडर स्टडी है जिसको हम वाई से डिनोट करें, एक से हम ऑक्सिलरी वेरिएबल को डिनोट करें, यहां पे सिंपल में बताया गया था टू है तो हमने सैंपल को इससे डिनोट किया। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी देखा, पी आई फर्स्ट डॉ का प्रोबेबिलिटी है, पीजे सेकेंड डॉ का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद हमने देखिए एस्टिमेटर को डिफाइन किया है, इसका हमने एक्सपेक्टेशन किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, वेरिएंस पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बोर्ड बहुत ही छोटा है, आप समझ ही सकते हैं, अभी हम दोबारा मिटा देंगे और वेरिएंस का आपके लिए शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमें वेरिएंस देखना है, वेरिएंस ऑफ टी बार, ठीक है, वेरिएंस ऑफ टी बार में क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ टी बार में आएगा वेरिएंस ऑफ टी वन प्लस टी टू बाई टू है, ठीक है। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस है तो वन बाई फोर, यहां पर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ टी वन प्लस वेरिएंस ऑफ टी टू, तो इसको हम नंबरिंग करते हैं फोर, ठीक है। अब देखिए वेरिएंस ऑफ टी वन, वेरिएंस ऑफ टी वन हम देखते हैं पहले, तो यहां पे क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ टी वन, तो वेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा टी वन का लिखिए, यहां पे आ जाएगा वाई आई वाई एन पी आई, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहां पे हो जाएगा वेरिएंस है तो वन बाय एन स्क्वायर तो बाहर आ गया, अब यहां पे आ गया एक्सपेक्टेशन वाई आई बाई पी आई माइनस क्या होगा वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए एक्सपेक्टेशन है तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन है तो एक समेशन आएगा और एक प्रोबेबिलिटी आएगा तो वन बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए समेशन आई वन टू एन वाई आई पी आई माइनस वाई स्क्वायर, अब एक प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा पी आई, ठीक है। आपको याद होगा हमने पीपीएस का जब पढ़ाई किया था एच एच ई एस्टिमेटर, उसमें ये एक फॉर्म आया था, उसको बाद में हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पार्ट को सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाई एन स्क्वायर तो वैसे रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन आई लेस देन जे पी आई पी जे वाई आई बाई पी आई माइनस वाई जे बाई पी जे स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम नंबरिंग कर देते हैं फाइव। अभी देखिए अभी हमारा नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ टी टू हमें देखना है, वेरिएंस ऑफ टी टू में क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ टी टू ऐसा आएगा एक्सपेक्टेशन ई वन प्लस वी वन एक्सपेक्टेशन टी टू, यहां पे हो गया टी टू, ठीक है, ये आ गया,
यहां पर भी सेम है कि जो E2 है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ YJ कीपिंग YI फिक्स्ड, सिमिलरली V2 के लिए सेम होगा। तो आप देखिए यहां पे आपको याद होगा कि हम यहां पे क्या देगा, हम इसको E1 E2 T2 प्लस V1, यहां पे देखिए इसका जो हमने पहले निकाला था अभी इसके इक्वेशन क्या आ रहा था, एक्सपेक्टेशन यहां पे y मीन आ रहा था, तो यहां पे e आ रहा था, ठीक है मीन आ रहा था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v1 e2 प्लस मीन है तो 1 बाय n नीचे होगा तो उसको क्या आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर प्लस v1 पॉपुलेशन टोटल आ गया। तो ये जो पार्ट है वेरिएंस का वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहां पे 1 बाय n जो है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएंस है तो यहाँ पे 1 बाय n स्क्वायर हुआ, ठीक है इसके बाद एक्सपेक्टेशन ई वन। अब ये वेरिएंस के ऊपर हम कर रहे हैं तो देखिए हम थोड़ा सा स्टेप जंप होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे एक समेशन आया, ठीक है समेशन क्या होगा j के ऊपर होगा नॉट इक्वल टू i, ठीक है ये समेशन समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये वाला पार्ट है तो क्या होगा y i प्लस 1 माइनस पी आई बाई पी जे, ठीक है वाई जे माइनस माइनस वाई, इसके बाद क्या होगा इसका स्क्वायर, इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी आएगा। अभी देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी भी आएगा वन पी जे बाई वन माइनस पी आई, ठीक है। अभी देखिए यहां पे हमें थोड़ा सा मतलब देखा पहला काम करना पड़ेगा। आप यहां पे पहले देखिए हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है साइड में ये असल में यहां पे होगा, ठीक है यहां पे स्टार्ट नहीं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। तो आप देखिए पहले यहां पे हम दो यहां पे हम चेंज करने वाले हैं, पहले क्या करेंगे हम यहां पे जो y j i उसको हम डिनोट करेंगे इसके लिए, तो वो क्या होगा पी जे बाय वन माइनस पी आई, ये असल में एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा y माइनस वाई आई को हम डिनोट करेंगे y i ब्रैकेट, ठीक है ऐसे हम डिनोट करेंगे। तो देखिए अभी अगर हम ऐसे डिनोट करें तो क्या चेंजेस आ रहा है, यहां पे चेंजेस आएगा तो 1 बाय n स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ e1 वैसे ही है। अभी देखिए यहां पे समेशन j नॉट इक्वल टू i, यहां तक कोई चेंजेस नहीं है। अभी देखिए y माइनस वाई आई, ठीक है तो उसके हिसाब से ये लिखा है तो वो माइनस आ रहा है, तो आप पहले इसको लिख दीजिए यहां पे हो गया वाई जे और ये क्या है यहां पे क्यू जे आई है तो वो नीचे हो जाएगा क्यू जे आई, यहां पे हो गया माइनस हो गया वाई आई ब्रैकेट, ठीक है और ये क्या है ये है क्यू जे आई तो यहां पे स्क्वायर क्यू जे आई, ठीक है समझ में आया होगा। हमने बस यहां पे दोनों को सब्स्टिट्यूट किया है। अभी देखिए ये जो लाइन है वो किस हद तक इसके तरह है, एक प्रोबेबिलिटी है और यहां पे y इसको आप अगर हम y ले ले और यहां पे देखिए y जे बाय और प्रोबेबिलिटी है तो इसको भी हम सिमिलर इसके साथ चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे हम कैसे लिखते हैं 1 बाय n स्क्वायर एक्सपेक्टेशन e1, ठीक है यहां पे समेशन j लेस देन j डैश, ठीक है नॉट इक्वल टू i, i से बराबर नहीं है, यहां पे देखिए y जे आई, ठीक है वाई जे डैश आई, ठीक है और यहां पे क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे हो जाएगा वाई जे बाय क्यू जे आई, यहां पे भी वही होगा वाई जे डैश क्यू जे डैश आई, ठीक है हमने सिमिलरली एकदम डीटो इसके साथ चेंज किया है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्यू जे आई है इसको ये इसका मतलब ये है तो उसको हम वैसे लिख देंगे तो 1 बाय n स्क्वायर एक्सपेक्टेशन e1 समेशन j लेस देन j i नॉट इक्वल टू i, ठीक है ये क्या है इसका मतलब ये है इसका मतलब है pj बाय 1 माइनस pi, ठीक है इसका हो जाएगा pj डैश 1 माइनस pi, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए आपको अच्छा हो जाएगा। अभी यहां पे देखिए y जे यहां पे हो जाएगा पी जे और ऊपर हो जाएगा वन माइनस पी आई, ठीक है माइनस वाई जे डैश,
ठीक है, यहां पे हो जाएगा पीजे डैश वन माइनस पी आई, ठीक है, यहां पे स्क्वायर होगा, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको समझ में आने के लिए। देखिए अभी यहां से हम जो यहां पे पी आई जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं और इसके ऊपर एक स्क्वायर है तो यहां पे हमारे पास दो पी आई स्क्वायर है तो ये नीचे का दोनों कट जाएगा तो क्या बचा हमारे लिए, हमारे लिए बचा है वन बाय एन स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ई वन समेशन जे लेस देन जे आई, ठीक है, पीजे पीजे डैश, ठीक है, क्योंकि नीचे का जो है वो कट गया और यहां पे क्या बचा वाई जे पीजे माइनस वाई जे डैश पीजे डैश स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। अभी देखिए हमारे पास अभी एक्सपेक्टेशन ई वन बाकी है, एक्सपेक्टेशन जो ई वन है तो यहां पे उसके लिए आपको पता है एक समेशन आता है और एक प्रोबेबिलिटी आता है तो समेशन क्या आएगा आप समझ सकते हैं, समेशन यहां पे समेशन आई होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो वन है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, ठीक है, तो समेशन आई आ गया। अभी देखिए यहां पे समेशन जे लेस देन जे डैश नॉट इक्वल टू आई है हमारे पास, यहां पे है पीजे पीजे डैश, यहां पे है वाई जे बाय पीजे माइनस वाई जे डैश बाय पीजे डैश, यहां पे हो गया स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स पी आई होगा तो यहां पे हो गया पी आई, ठीक है। अभी देखिए यहां पे आई यहां पे कहीं पे टर्म नहीं है, आई सिर्फ यहां पर है तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो आई का जो प्रोबेबिलिटी इस पर ही होगा तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा वन बाय इन स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे हो गया समेशन जे लेस देन जे डैश नॉट इक्वल टू आई, यहां पे हो गया पीजे पीजे डैश, ठीक है, यहां पे हो गया वाई जे बाय पीजे वाई जे डैश बाय पीजे डैश स्क्वायर, यहां पे देखिए अभी समेशन हो गया समेशन आई नॉट इक्वल टू जे जे डैश पी आई, ठीक है। तो देखिए हमारा गोल बहुत ही छोटा है, अभी हम क्या करेंगे आपके लिए इस तरफ का जो पार्ट है इसको छोड़ के जो ये वाला पार्ट है वो मिटा देंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये वाला पार्ट लिख लिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे यहां पे करेंगे आपके लिए बाकी से, ठीक है, यहां से आप यहां पे आ रहे हैं तो वन बाय एन स्क्वायर, ठीक है, अभी जैसा था यहां पे वो डिटो वैसा आ जाएगा तो समेशन जे लेस देन जे डैश, ठीक है, यहां पे हो गया पीजे पीजे डैश, यहां पे हो गया वाई जे पीजे वाई जे डैश पीजे डैश स्क्वायर। अभी देखिए ये है यहां पे नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जे है तो यहां पे आप वन से अगर हम एस को माइनस कर देंगे तभी हमारा ये आ जाएगा नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू जे डैश, ठीक है। अभी देखिए यहां पे हमारे पास सिर्फ दो ही है आई और जे, जे और जे डैश, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो जे है वो इक्वल टू आई है और जो जे डैश है वो इक्वल टू जे है क्योंकि दोनों वेरिएबल ही है तो अगर हम चेंज करेंगे भी तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे हम करते हैं 1 बाय n स्क्वायर, ठीक है, समेशन i लेस देन j, ठीक है, अभी यहां पे हो गया pi pj y i by pi माइनस y j by pj स्क्वायर 1 माइनस pi पीजे, ठीक है, इसको आप नंबरिंग कीजिए 6। तो देखिए यहां तक तो हो गया, अभी हमें यहां पे कोवेरियंस भी चेक करना है, कोवेरियंस जो पार्ट है उसमें भी आएगा क्योंकि आपको याद है कि वेरियंस में क्या आता है कि अगर हम किसी का वेरियंस करेंगे तो यहाँ पे कोवेरियंस का जो है वो उसका एक पार्ट आता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोवेरियंस पार्ट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो कोवेरियंस ऑफ टी वन और टी टू इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई वन एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू, ठीक है, यहां पे हो जाएगा t1 माइनस y और यहां पे t2 माइनस y, ठीक है, यहां पे अगर हम एक्सपेक्टेशन e1 तो यहां पे e आएगा और यहां पे देखिए अभी देखिए ये वाला जो पार्ट है
हमें पता है ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे जीरो आता है, तो ये वाला पार्ट अगर जीरो है तो पूरा कोवेरियंस पार्ट जो है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, कोवेरियंस पार्ट जीरो आ गया, तो हमारे पास एक बात चल गया कि कोवेरियंस पार्ट है वो जीरो है। तो अभी हम फोर में फाइव और सिक्स का जो है वैल्यू बैठाएंगे। तो देखिए हमारा बोर्ड एज यूजुअल समझ सकते बहुत ही छोटा है, तो हम यहाँ का कुछ पोर्शन आपके लिए मिटा देंगे। ठीक है, मिटा का हम आपको लिए आंसर कर देंगे। तो देखिए अभी देखिए फॉर्म फाइव एंड सिक्स इन फोर, हम फोर में जो है फाइव और सिक्स जो है वो वैल्यू बैठाएंगे। तो अभी वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरियंस ऑफ टी बार इक्वल टू होगा, तो देखिए यहाँ पे वन बाय एन स्क्वायर समेशन आई लेस देन जे पी आई पी जे, यहाँ पे होगा वाई आई पी जे माइनस वाई जे पी जे स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या होगा, माइनस होगा वन बाई एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप वन बाई फोर जो है वो लिखिए, यहाँ पे वन बाई फोर है, हम यहाँ पे मिस कर रहे थे, तो यहाँ पे वन बाई फोर जो है वो पहले आएगा, तो बार एकदम बैठे को आएंगे। समेशन आई लेस देन जे पी आई पी जे, यहाँ पे हो गया वाई आई वाई आई, देखिए यहाँ पे वाई आई पी आई होगा, वाई आई पी आई वाई जे पी जे स्क्वायर, और साथ में अभी ये वाला आएगा, साथ में क्या है वन माइनस पी आई पी जे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी ब्रैकेट क्लोज करिए, देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए बाहर क्या आ जाएगा, वन बाई फोर तो बाहर है ही, वन बाई एन स्क्वायर भी बाहर आ गया, समेशन आई लेस देन जे पी आई पी जे, यहाँ पे हो गया वाई आई बाई पी आई वाई जे बाई पी जे स्क्वायर। अभी हमने कॉमन लिया है तो वन कॉमन लिया है, तो देखिए यहाँ पे वन प्लस वन, तो यहाँ पे हो गया टू माइनस पी आई पी जे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरियंस। देखिए बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा क्वेश्चन बहुत आसान है, पर ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले हमने देखा है कि पीपीएस का जो है वो हमने डिस्क्राइब किया है कि यू क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। यू जो है वहां पे पॉपुलेशन है, वाई जो है वहां पे कैरेक्टर अंडर स्टडी, और एक्स जो है वो ऑब्जर्व वेरिएबल है। इसका हमने एक्स दिखाया सैंपल साइज, इसका हमने मीन मतलब जो एक्स जो हमने डिफाइन किया जैसे एस्टिमेटर क्या है डिफाइन किया, इसका हमने उसको अनबायस एस्टिमेटर दिखाया। अनबायस एस्टिमेटर दिखाने के बाद हमने वेरियंस निकाला। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, तो कमेंट से लिखिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने सभी शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी रखेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखते हो तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।